मेकिंग अ बर्ड बाथ यूजिंग क्ले कंटेनर, क्ले के कंटेनर उनकी मिट्टी के बर्तनों मिट्टी का यूज करके उनके लिए क्या बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उनके एक बर्तन बनाते हैं जिसमें वो क्या पानी फिल करते हैं जिससे वो उसमें नहा सकते हैं। उसे कहाँ पर रखा जाता है, बैल्कनी में या फिर टेरेस में छत के सबसे ऊपर। सो इट इज़ टाइम टू सपोर्ट दीज डियर क्रिएचर्स, ये टाइम है इनको सपोर्ट करने का बर्ड्स वगैरह को, यानी कि प्राकृतिक के। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी मस्ट बी चेक, और ह्यूमन की जो इनकी व्यक्तियों की जो एक्टिविटी है जो अनकंट्रोलेबल है उनको चेक करना पड़ेगा इनकी, जिससे आपका जो क्या है नेचुरलिटी कम होती जा रही है। इट इज़ नो लेट येट, अब हम इसमें कोई मतलब देरी नहीं कर सकते। एटलीस्ट 70% ऑफ इंडियन इज रूरल एंड प्रोवाइड नेस्टिंग प्लेस एंड फूड टू हाउस स्पैरो, कि 70% कम से कम 70% हमारा क्या है रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो एक नेस्टिंग इनके घोंसले के लिए जगह दे सकता है और हाउस बनाने के लिए स्पेस दे सकता है और फूड दे सकता है इनको। वी ऑन इट आर फेदर्ड फ्रेंड टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट और एनिमल, नेचुरल एनवायरनमेंट प्लैनेट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा, कि हमें क्या करना है फेदर फैलाना है, आर फेदर्स फ्रेंड इनके में अपनी फ्रेंडशिप को फैलाना है, किसको प्रिजर्व करना है, किसको बचाना है, नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना है।